सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल रोजाना खाना इन हिंदी को और प्रेस कीजिए इस बेल को ताकि आपको हमारी हर वीडियो सबसे पहले मिल सके। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का रोजाना खाना में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को पता है दोस्तों कि रक्षाबंधन पास में है और बिल्कुल आ ही गया, तो इस रक्षाबंधन आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं कौन सी रेसिपी बनाने जा रही हूँ, तो वो है सबका पसंदीदा घेवर। तो घेवर सभी को खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, तो आज हम बिल्कुल मार्केट वाला साइज का बनाएंगे घेवर, और भी बिना मोल्ड का, और वो भी भगोना में। तो हमारे साथ जुड़े रहे वीडियो में और देखें कि किस तरह से बन रहा है मार्केट जैसा घेवर घर पे। तो आइए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, हम घेवर बनाने के लिए देसी घी लिए हैं 25 ग्राम। इसमें हम बिल्कुल चिल्ड पानी डालेंगे थोड़ा सा, आप चाहे तो आइस क्यूब भी डाल सकते हैं। और इसे हम अच्छे से घोल लेंगे, बिल्कुल क्रीम के जैसा हो जाना चाहिए ये। आप चाहे तो इसे मिक्सर में भी ग्राइंड कर सकते हैं, मैं आपको बिना मिक्सर का दिखा रही हूँ। और ये देखिए, हम इसे अच्छे से फेंट लिए हैं और बिल्कुल क्रीम के जैसे हमारा घी हो गया है। ठंडा पानी पड़ते ही बिल्कुल क्रीम के जैसे दिख रहा होगा आपको। अब इसमें हम सूजी मिक्स करेंगे, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं, एक बार में हम थोड़ा सा ही मिक्स करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे चलाते हुए। और ये देखिए, हमारा 100 ग्राम सूजी है, ऐसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस सूजी में वैसे कोई लम्स नहीं बनता है। अब थोड़ा सा फिर हम ठंडा पानी डालेंगे और इसे हम मिक्स करेंगे। और ये देखिए, हमारा 100 ग्राम सूजी था, तो हम 100 ग्राम मैदा को ले लिए हैं। दोनों को हम छान के लिए थे, सूजी को भी और मैदा को भी। अच्छे से हमें इसे मिक्स करना है और थोड़ा सा फिर हमें पानी डालना है और मिक्स करना है। एक ही बार में सारा मैदा ना डालें आप, नहीं तो उस तरह से गुठली बन सकता है। कि हम जो मैदा बचा है वो डाल ले रहे हैं और मैदा को मिक्स करते हुए इसमें हम अब चिल्ड पानी डालेंगे और मिक्स करेंगे फिर से। और ये देखिए, हमारा 100 ग्राम सूजी और 100 ग्राम मैदा में हम पानी डाल चुके हैं, 250 ग्राम से भी ज्यादा। और मैं आपको बना के इसको दिखाती हूँ घोल इसका, उसी तरह से आप भी बनाइएगा। और ये देखिए, हमें अच्छे से इसे घोल लेना है, बिल्कुल तेजी से हमें हाथ चलाना है और ये मिक्स हो जाएगा। आप चाहें तो ये प्रोसेस आप मिक्सर से भी कर सकते हैं। तब यहाँ पे हमारा बैटर रेडी है, आप देख सकते हैं ये कितना लिक्विड है, आपको दिख रहा होगा। इसे ज्यादा ना करें आप पतला। अब हम चलते हैं बनाने के लिए। तो ये देखिए, हम घेवर बनाएंगे पतीले में। तो पतीले में हम घी डाल लिए हैं 1/2 kg। ऐसे हम बिल्कुल फुल फ्लेम पे अच्छे से गर्म करेंगे, उसके बाद बनाएंगे घेवर को। और मैं यहाँ पे घेवर बनाऊंगी बिना मोल्ड का, आप इसे आसानी से घर पे बना सकते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए वीडियो में और देखिए। और ये देखिए, हमारा घी में से अच्छा आँच आ रहा है, अभी थोड़ा सा और आएगा उसके बाद हम डालेंगे, अभी चेक कर रहे हैं हम। और हमारा घी जो है वो अच्छे से गर्म हो चुका है, उसके बाद हम चाहे तो चम्मच से या छोटा करछी से भी इस तरह से बिल्कुल ऊपर से डालेंगे। हम घेवर पर जितना पेस्ट हम डालेंगे ऊपर से, इस तरह से तेजी से डालेंगे। जो घी है हमारा वो कोशिश करेगा कि हम निकल के बाहर आ जाए, लेकिन आराम आराम से आप डालें। और ये देखिए, इस तरह से हम डाल रहे हैं। और ये देखिए, जब शांत हो जा रहा है उसके बाद हम डाल रहे हैं दोबारा। करछी से हम इस तरह से बीच में जगह बना ले रहे हैं,
और आप देख सकते हैं बीच में हमारा जगह खाली है, तो हम फिर से उसी तरह से डालते हुए थोड़ा थोड़ा बैटर को और बिल्कुल बराबर होने देंगे। और इसे हम बिल्कुल सुनहरा होने तक इसी में रन देंगे, उसके बाद हम निकालेंगे। और आप देख सकते हैं कितना छजाली बन रहा, और आप देख सकते हैं हमारा घेवर बन के रेडी है। तो इसे हम बहुत ही केयरफुली और सावधानी से निकालेंगे। ये देख सकते हैं कितना बड़ा घेवर बन के रेडी हुआ है। और थोड़ा बहुत अगर ये टूटा है तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप उसे भी चाशनी में डाल के खा सकते हैं। और ये बिल्कुल जितना बड़ा मार्केट में होता है उतना बड़ा घेवर बना है, आप देख सकते हैं। और इसका जाली आप देख सकते हैं कितना अच्छा बना है। तो इस तरह से हम तेल को टपक जाने देंगे और तेल को निकलने तक के लिए हम दूसरे प्लेट में निकाल के रखेंगे। और आप देख सकते हैं कितना अच्छा बना है घेवर। अब हम दूसरा बनाते हैं। और ये देखिए हम दूसरा घेवर बनाने के लिए फिर से फुल हीट कर रहे हैं घी को, इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही जरूरी है। और गर्म हो जाएगा बिल्कुल फुल फ्लेम पे, उसके बाद हम फिर दोबारा घेवर को बनाएंगे। और आप देख सकते हैं हमारा घी बिल्कुल अच्छे से गर्म हो चुका है। तो हम उसी तरह से बैटर को बिल्कुल ऊंचाई से गिराएंगे, आप इस चीज पर ध्यान रखिएगा। और घी हमारा कोशिश करेगा निकलने का बाहर, लेकिन आप बिल्कुल सावधानी पूर्वक डालिएगा, थोड़ी सी इसे सावधानी पूर्वक बनाना पड़ता है। और आपका मार्केट जैसा घेवर घर में रेडी हो जाएगा। बस बैटर को आप ऊंचाई से गिराएं, जब शांत हो जाए उसके बाद गिराएं। और ये सूजी का घेवर बना रहे हैं हम, तो ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही जालीदार बनेगा। और बीच में हम करछी की मदद से इस तरह से कर ले रहे हैं, आप इस चीज को ध्यान से देखिएगा, आप इजीली बना सकते हैं घर पे घेवर को। और ये देखिए जब शांत हो जा रहा फिर हम ऊंचाई से डाल रहे हैं। और ये देखिए घेवर को डालने के बाद इसमें हम 7 से 8 मिनट फुल फ्लेम पे ही पका रहे हैं, जब जाके घेवर का कलर बिल्कुल सुनहरा हो जा रहा है, उसके बाद हम निकाल रहे हैं। और ये देखिए हमारा ये भी घेवर बन के रेडी है, तो हम बहुत ही केयरफुली निकालेंगे इसे। और ये देखिए हम इसी तरह से सारे घेवर को बना के रेडी करेंगे। और ये देखिए हमारा ये भी घेवर रेडी है, तो हम सावधानी से निकालेंगे इसे। और आप देख सकते हैं इसका जाली कितना अच्छा बना है, बहुत ही सावधानी पूर्वक निकालें। और बिल्कुल मार्केट वाला साइज बना है, आप देख सकते हैं। तो हम इस तरह से तेल को टपकने दे रहे हैं, बहुत ही ध्यान से करें आप इसे निकाल के प्लेट में रख लें, यहाँ पे तेल ना टपकाएं। आप देख सकते हैं बिल्कुल मार्केट वाला घेवर बन के रेडी है। और ये देखिए हमारा 100 ग्राम सूजी और 100 ग्राम मैदा में 3 घेवर बन के रेडी हुआ है, बिल्कुल मार्केट वाला साइज आप देख सकते हैं। तो हम चाशनी बनाए हैं 200 ग्राम चीनी और 1 कप पानी डाल के, और इसके ऊपर हम घेवर के ऊपर बिल्कुल सावधानी पूर्वक डालेंगे। ये हल्का गर्म रहेगा जब ही डालिएगा, इसे बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में, और ये हमारा घेवर मीठा हो जाएगा। और ये देखिए चाशनी को अच्छे से डालें। और ये देखिए हम इस चाशनी में ड्राई फ्रूट भी डाले थे, आपको जो भी ड्राई फ्रूट पसंद हो आप डाल सकते हैं। और इस तरह से हल्का हल्का गरम चाशनी और गरम घेवर डालें आप, बिल्कुल मीठा हो जाएगा। तो इस रक्षाबंधन आप जरूर इसे ट्राई करें, क्योंकि ये मार्केट वाला घेवर आप घर पे बना सकते हैं और बिना मोल्ड का। आप देख ही सकते हैं मैं भगोना में बनाई हुई ये घेवर, तो आप देख सकते हैं हमारा बाजार वाला घेवर घर में बन के रेडी है और बहुत ही कम समय में। तो अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए घेवर की, तो इसके नीचे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
और सब्सक्राइब के पास में जो घंटी का आइकन है उसे जरूर क्लिक करें, और इसी तरह के रेसिपी देखने के लिए जुड़े रहें रोजाना खाना के साथ। तो इस रक्षाबंधन आप जरूर इस रेसिपी को ट्राई करें, और आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब हम मिलते हैं आपसे इसी तरह के नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए घर का खाएं और मुस्कुराते रहें।